जी अभी कितने उद्योगों के MOU हुए हैं ये पूरी जानकारी व्यवस्थित तरीके से आपको SIPB जो हमारा सरकार का है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उसमें यदि आप जाएंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी जो भी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपके अध्यक्ष पद के बाद पदभार संभालने के बाद क्या उपलब्धियाँ रही? नहीं, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद वैसे तो लगातार 15 साल से जब से डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं उद्योगों को उन्होंने नया आयाम दिया है, नई पहचान दी है। नया राज्य बनने के बाद भी आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे अच्छे काम हुए कि कई सड़कें जो कई साल से नहीं बनी हुई थी, नहीं बन पा रही थी, वो सारी सड़कों का निर्माण हुआ, नई सड़कें बनी सभी औद्योगिक क्षेत्र में, नए बिजली की लाइन लगी, सब काम हुए हैं। उसके बाद भिलाई में इंजीनियरिंग पार्क बना, रायपुर में मेटल पार्क बना, राजनांदगांव में बाबा रामदेव जी के साथ हमारे MOU हुए हैं जो कि काम बहुत शीघ्र चालू होने वाला है। बिलासपुर में प्रमोशन हुआ है, रायगढ़ में हमारा नया इंडस्ट्री पार्क बना है, कांकेर जैसी जगह में भी हमने अपना इंडस्ट्री पार्क बनाया है, इस तरह बड़ौदा बाजार जिले में बनाया है और कई सारे हमने नए इंडस्ट्री क्षेत्र का विकास किया और नए इंडस्ट्री क्षेत्र बने हैं। कोई ऐसी योजना जो आने वाली है? नहीं, यही सब जो मैंने बनाया, फूड पार्क बनाया है हमारे कुरुद में और काफ़ी लोग उत्साहित हैं और अभी तो बीच में पूरे विश्व स्तर की एक मंदी थी लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से उद्योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और आने वाले साल मुझे लगता है कि वापस उद्योगों में जो 10-8 साल पहले जो मारामारी थी फैक्ट्री लगाने की, उद्योग लगाने की, वो समय अब आ गया है और अब आने वाला समय बहुत उज्ज्वल है, बहुत उसका भविष्य अच्छा है। विदेशी निवेशक को यहाँ पर जो नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क बना है उसमें कई विदेशी कंपनियों से हमारी बातचीत हुई और काम भी चालू हो गया है और अति शीघ्र कई सारे हमारे मोबाइल बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले कई कंपनियों से हम MOU किए हैं। जैसे हमारा MOU आपके साथ है, आपका MOU विदेशी कंपनी के साथ है, इस प्रकार के भी कई किस्म के अलग अलग प्रकार के उद्योग हमारे क्षेत्र में लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उद्योगों का भी पूरा नहीं, छत्तीसगढ़ के उद्योग मैंने आज हिंदुस्तान के अंदर 24 घंटे बिजली देने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ आज कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, डेली 5 हवाई जहाज बम्बई जाती हैं, 6 हवाई जहाज दिल्ली जाते हैं, किसी को भी आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा है, रोड रास्ता बढ़िया है, 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से हर प्रकार से अच्छा है। यहाँ से अधिकारी जाते हैं विदेशों में प्रेजेंटेशन करते हैं छत्तीसगढ़ उद्योग का जी, तो वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं नहीं, क्या होता है, हर पूरे हिंदुस्तान में जितने राज्य वाले हैं अभी सब राज्यों में उद्योग लगाने के लिए होड़ मची हुई है और सब राज्य वाले अपने औद्योगिक नीति की जानकारी विदेश में जाके, देश भर के कोने कोने में जाकर, राजधानी में जाकर, बड़े बड़े शहरों में जाकर अपने राज्य की जानकारी वहाँ के चैम्बरों के साथ मिलकर, वहाँ के उद्योगपतियों के साथ मिल करके मीटिंग करते हैं और अपने राज्य की जानकारी देते हैं और क्या क्या सुविधाएँ हम उनको दे सकते हैं यदि वो हमारे राज्य में उद्योग लगाए, तो इसकी पूरी जानकारी देते हैं और वो जानकारी लेने के बाद जहाँ उनको अच्छा लगेगा वो लोग वहाँ जाएँगे। और हमारे यहाँ तो अभी लगातार रोज़ महीने में कम से कम 4-5-7 बड़े उद्योगपति आते हैं जो यहाँ उद्योग लगाने की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। यहाँ से अधिकारी जाते हैं तो भारी रकम भी खर्च होती है लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं खर्च, देखिए तो प्रचार प्रसार तो करना ही पड़ेगा, प्रचार प्रसार का युग है और ऐसा नहीं है कि आज हम गए तो तत्काल हो जाएगा, ये बताना पड़ता है। आज मान लीजिए आप 5 साल बाद भी उद्योग लगाएंगे तो आप ये भी विचार करेंगे कि भाई ठीक है मैं उड़ीसा जाऊंगा, बंगाल जाऊंगा, बिहार जाऊंगा तो एक बार मैं छत्तीसगढ़ भी जा कर के देख लूँ। तो हमारी इतनी इच्छा है कि कोई भी आदमी उद्योग लगाए तो उसके पहले वो एक बार छत्तीसगढ़ आए, यहाँ आ करके यहाँ की औद्योगिक नीति को देखे, यहाँ पर हमें स्किल्ड लेबर मिल रही है, स्किल्ड लेबर है, सब चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने कौशल विकास के लिए कानून बनाया है, पहला राज्य है और दंतेवाड़ा जैसे जगह पर में कॉलेज खुले हैं, लाइवलीहुड कॉलेज हर जिले में खोला गया है। आप दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र में और वहाँ का लाइवलीहुड देख के आइए और अभी तक लगभग 4,000 युवा वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के अपना स्वयं का रोजगार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.